लोगों से जानने के लिए आया है अगला मुख्यमंत्री किसको बनाएगा, कौन बनेगा किसका अगला सीएम। आइए हम लोगों से जानते हैं और लोगों से पता करते हैं कि मदद का किसको बनाएंगे अगला सीएम, किसको बनाएंगे बिजली वाला। अच्छा है, अच्छा है, कुछ लगते हैं कि पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जैसे महिलाओं के लिए और अपने दुखी महाराज के लिए। आजा भाई सामने आ जाओ, भाई कुछ है 99% भाई हम तो चाहते हैं भाई सरकार एक ईमानदार ईमानदार आदमी है और सब पब्लिक के लिए सोचते हैं, इसी वजह से उन्हीं का सरकार बनाएगी। ठीक है, हम आप लोगों से भी जानना चाहेंगे सर, विधानसभा इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो चुका है तो सरकार वैसे अगर मैम अगर मैं बोलूँगा तो लोग कह देंगे कि या तो बीजेपी का या कांग्रेस का, लेकिन अगर देखा जाए ना तो जो अरविंद केजरीवाल जी अगर फ्री की जगह छोड़ दें तो उसके अलावा जो बेसिक चीज़ है ना वो काम नहीं हुआ, नहीं हो रहा। लेकिन कैंडिडेट के नाम पर अगर मुख्यमंत्री के लिए तो उसके टक्कर में कोई ना बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है, काम के लिए तो हम तो नॉर्मल आदमी हम तो रेट पे रहते हैं, मुझे तो मतलब बिजली का बिल फ्री में मिला है, मैं तो 6 रुपये रोज देता, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। अच्छा फायदा नहीं हुआ, मीटर लगाने के लिए बताया मीटर आपके मकान माली लगाने देगा, मकान माली तो एनओसी देने के लिए प्रॉब्लम करते हैं, मीटर तो गलत लगाने लगाने जरूरत नहीं, सिर्फ आपको फोन करना है और उसके बाद आपको बता रहे हैं कि हम किराएदार हो गए। मैम एटलीस्ट आज तक मुझे कोई आज तक आम आदमी पार्टी का कोई सुविधा मुझे नहीं मिला है, तो और मैं ऐसा गवर्नमेंट चाहता भी नहीं जो हर चीज़ फ्री में दे, मैं तो चाहता हूँ कि अगर मेरी एक कैप्टी अगर देने के लायक है तो मेरे से वो लिया जाए, मैं फ्री में नहीं चाहता, क्योंकि फ्री कितना दिन दे सकते हो। अच्छा तो आप देरी देरी देने का मतलब क्या होगी, ये तो पैसे दिल्ली का ही ना और हमारे ही पैसा हमको फ्री में दे रहे हो, तो इसे तो हमारे बजट में दिल्ली सरकार की जो बजट है कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रही है, और मान लो हम जो पानी पीते हैं अगर दिल्ली सरकार के पास पैसा ही नहीं रहेगी तो शुद्ध पानी कैसे देगी। सर जबकि सीएजी का जो रिपोर्ट है उसमें भी कह रहे हैं कि दिल्ली बेनिफिट में है और पब्लिक का पैसा ही पब्लिक को दे रहा है, तो उसमें दिक्कत आ रही है। सर दिखाने के तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं, ऐसे कैसे हम दिखा देंगे, आप देखो अपना दिल्ली की पानी जो आ रही है, और आप पूछ रहे थे कि पानी का क्वालिटी अच्छा नहीं है, बिल्कुल गंदा है, पीने किसी एरिया को उठा कर देख लो, पर्टिकुलर एरिया नहीं है, हर एरिया का एक ही हाल है। अच्छा हर एरिया में पानी गंदा आ रहा है, फ्री का पानी गंदा है कहने का मतलब है, तो इसलिए सरकार क्या हम लोग फ्री का पीते ही नहीं, हम तो खरीद के पीते हैं, हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा बेनिफिट नहीं, नहीं किसी तरह के बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी जैसे बता रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखो हम लोग रेंटर हैं, हम लोग क्या फायदा है, मकान मालिक 7 रुपए जोड़ के लेता है। अच्छा रेंटर को कोई फायदा नहीं, कोई नहीं, पर्टिकुलर किसी हमारे ही बात नहीं है, पूरे दिल्ली के जितने रेंटर हैं उनसे आप जाकर पूछना, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं है, सबके साथ यही हाल है कि जो 7 रुपए यूनिट देते हैं। अच्छा ठीक है, हम और भी लोगों से जानते हैं कि इनका क्या कहना है, हम लोगों तक पहुँचते हैं, लोगों ने काफ़ी काम भी दिलवाया है, लेकिन सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या दिल्ली में काम हो रहा है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में अपना सीएम कौन बनेगा और किसको बनाएंगे दिल्ली का, किसको देंगे भैया दिल्ली में अपना सीएम किसको बनाएंगे, नहीं बता सकते भैया। दिल्ली का इलेक्शन आ चुका है तो हम यही जानने के लिए आए हैं कि दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, हमारे क्या पता, इस तरफ देखिए हमारे क्या पता, नहीं पता वोट मोदा क्या पता कौन बनेगा। अच्छा नहीं पता, ठीक है हम आपसे भी जानेंगे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। केजरीवाल क्यों बनना चाहिए सर, अच्छे काम करते हैं, काम हो रहा है, हाँ काम होता है भाई, गरीब आदमी सुनता तो है, मिल रहा है, मिलता है, मिलता है। आप सर हम लोग को सुविधा मिल रही है, सुविधा मिल रहा है, बहुत लोगों का कहना है कि वो सुविधा जो बोलते हैं पानी फ्री, लेकिन पानी गंदा आ रहा है, पानी तो गंदा आ रहा है, ये तो बात सही है भाई साहब, लेकिन क्या करें, करने वाला भी आगे तो और कोई है, अब तो आगे और कोई है वो भी करेगा, वही अकेले देखेगा सब काम, आगे प्रधानमंत्री काम आगे वो भी देखेंगे ना तो कब पूरा होगा। अच्छा अकेला क्या करेगा, अच्छा अकेला नहीं हो सकता, लेकिन दावा तो कर रहे हैं कि पानी, दावा तो करेगा, वो करेगा भाई, वो आधे को वो करता है। अच्छा पानी फिर पानी यानी कि अच्छा मिलेगा, हाँ पानी कह रहे हैं अच्छा मिलेगा, देखा जाएगा वो भी। अच्छा तो सरकार किसका बनाएगी, केजरीवाल की बनेगी, उन्हीं का ही बनेगा सर, आप सरकार किसका बनाएंगे,
देखते बने। अच्छा देखेंगे पहले, टाइम तो आ ही चुका है। हाँ ये बने है? ये बने ठीक है। हम और भी लोगों से जानते हैं कि निर्माण किसका बनता है, लेकिन कह रहे पानी पानी जो मिल रहा है वो गंदा पानी मिल रहा है लोगों का, यही कहना है सर। दिल्ली में चुनाव आ चुके हैं, 8 फरवरी को है, तो किसको बनाएंगे दिल्ली का अगला सीएम? सारा काम हो रहा है, पानी का काम भी हो रहा है, लाइट का काम भी हो रहा है जी, लोगों को सब चीज़ की सुविधा मिल रही है। सुविधा आप लोगों को फायदा मिल रहा है? आम आदमी को बहुत फायदा है, फायदा मिल रहा है। इनका कहना है चुनाव बनेगी बीजेपी, बीजेपी का बनेगा, क्यों बनना चाहिए बीजेपी का? काम भी तो उन्होंने ज़्यादा करवाया ना, चक्कर में काम करवाया है। क्या काम करवाया? कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, काम करवाया है, लेकिन पहले की कोई बात नहीं। हम और भी लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हम इन लोगों से जानते हैं दिल्ली का चुनाव आ चुके हैं, तो दिल्ली का सिंहासन किसके हाथ में देने का इरादा है? केजरीवाल ही लेके जाएगा जी। अच्छा उन्हीं को देंगे, क्यों? क्यों? काम सही कर रहा है वो। काम हो रहा है? काम हो रहा है। क्या क्या काम हो रहा है? क्या काम है? बिजली पानी सब बढ़िया है उसका। पानी गंदा आ रहा है? पानी गंदा आ रहा है, वो तो साफ होता रहता है, ये तो चलता ही रहता है। अच्छा ये चलता रहता है और क्या, लेकिन उन्हीं का सरकार बनाएंगे। अच्छा इनका कहना है उनका सरकार बनाएंगे। आप किसका सरकार बनाएंगे दिल्ली में? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों बनना चाहिए उनका? कारण यही, जो उन्होंने जैसे कहा बिजली पानी का अच्छा करा है, और मिट्टी टी सी का भी अच्छा है, और बसें की आ रही है डी टी सी, और मेन ज्यादा जो लड़कियों की सुरक्षा। डी टी सी बस आ तो रहे हैं, लेकिन डी टी सी बसों में या क्लस्टर बसों में जैसे स्टैंड पे रोकता नहीं है, बहुत स्पीड से चलाते हैं, या लोग गिर भी जाते हैं, उसके लिए भी कुछ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, देखो रुकना चाहिए इनको, और वो करेंगे कौन है इनको पता होगा, रुकना चाहिए। तो सिर्फ फ्री होने से हो जाएगा, इसमें भी ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन सरकार बनाने का इरादा आपका आम आदमी पार्टी का ही बनेगा? मेन इनके लिए सुरक्षा मुद्दा नहीं होना चाहिए, लड़कियों का जरूर। अच्छा वो सबसे पहले सुरक्षा पहले होना चाहिए, इनका कहना है कि सुरक्षा पहले होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा महिलाओं के लिए एक अहम बात है, क्योंकि जब तक महिला सुरक्षा नहीं होगा तब तक लगता है कि क्या कहना है सर, दिल्ली में किसका सरकार बनाएंगे? तो देखो जी दिल्ली में सरकार तो जिसकी मर्जी आ जाए सबकी सही है, लेकिन जो काम बढ़िया कर रहा है वो केजरीवाल जी बढ़िया कर रहे हैं। काम हो रहा है इस बार, तो काम में इलेक्शन होने वाला है, वोट भी काम में मांगा जा रहा है, तो काम में क्या क्या काम हो रहा है? काम काफ़ी अच्छा हो रहा है, जैसे पानी वगैरह की, बिजली की फैसिलिटी काफ़ी है, और लेडीज वगैरह के लिए जो इन्होंने सहूलियत की है अपनी बस वगैरह में फ्री, अच्छा है काम। तो महिला सुरक्षा के ऊपर भी तो करना चाहिए? हाँ महिला सुरक्षा पर भी करना चाहिए, काफ़ी कमियाँ हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, बाकी देखो कमियाँ है। कमियाँ किस में कमियाँ लगता है आपको? दुनिया मैडम देखो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सब कुछ है, सब में सब जो भी सरकार आ जाए वादे करती है कि हम ये बनाएंगे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है वादे में ये। अब आप जो एरिया में जिस सब रहते हैं वहाँ के MLA ही ले लो, कोई भी है जहाँ का पार्षद है, जब इलेक्शन होते हैं तब आ जाते हैं जी हमें दो जी हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद उन्हें किसी काम के लिए भी चले आइए तो कोई आपको पूछेगा नहीं, नहीं पूछते, बस ये इलेक्शन के टाइम में। हाँ इलेक्शन के टाइम में सब आते हैं। इनका कहना है कि इलेक्शन के टाइम में सिर्फ लोगों को पूछते हैं, उससे पहले नहीं पूछते, इनका ये भी कहना है। हम और भी लोगों से जानते हैं कि इनका क्या कहना है, क्या राय है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, सिराज पर इलेक्शन आए हैं तो उन्होंने किसका नेता बनाया? मोदी जी का होना चाहिए। बीजेपी का होना चाहिए, मतलब हाँ तो बीजेपी का होना ही चाहिए, मतलब बीजेपी का, क्यों बीजेपी का बनना चाहिए? मतलब फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो रही है। फैसिलिटीज अच्छे हो रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज मिल रहे हैं? मतलब यहाँ पे मतलब कायदे कानून मतलब सही चल रहे हैं, और बाकी सारे कायदे कानून अच्छा चल रहा है, और बाकी और भी आपका कहने का मतलब कायदे कानून अच्छा चल रहा है, और तो कैसे कायदे कानून अच्छा है बताइए? कहीं पे कोई यहाँ पे जैसे कहीं पे बीच में लड़ाई वगैरह करने लग जाए तो मतलब उसको मतलब पहले थाने वगैरह में जाएंगे, अगर कोई बदतमीजी करे तो वहीं पे उसके वैसे कानून तो ही कानून पूरा दिल्ली का जो पुलिस है वो
बीजेपी के अंडर में आते हैं, तो दिल्ली में क्या ऐसा पुलिस है, या एमसीडी से बीजेपी के अंडर में आते हैं, ऐसा क्या अच्छा काम किया है बताइए। कानून तो पुलिस के हाथ में है और एमसीडी जो है वो भी बीजेपी के हाथ में है, तो क्या अच्छा हुआ है बीजेपी ने, क्या अच्छा किया है? आपने बोले कानून व्यवस्था में अच्छा, कुछ एग्जांपल बताओ। अभी तो बीजेपी ने अच्छा करा तो कम से कम करा, मैंने ज़्यादा तो जब देखा नहीं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि बीजेपी का सरकार बने? आप पसंद करते हैं, पसंद करते हैं, इनका कहना है कि पसंद करते हैं, लेकिन हम सर आप लोगों से तो जानने के लिए आए हैं कि दिल्ली में किसका सरकार बनाएंगे। अच्छा नहीं है, डेट तो डिक्लेयर हो गया है सर, हो गया है, बाकी ये तो काम हो रहा है क्या दिल्ली में? नहीं हो रहा है, काम तो बहुत हो रहा है, बाकी ये तो चीज होती है, बाकी हम तो जिसको वोट देंगे देंगे। आप सर केजरीवाल को क्यों देना चाहेंगे आप उनको? केजरीवाल काम किए हैं, काम हो रहा है, इस बार कामों में वोट मांगा जा रहा है, काम हो रहा है, काम बता सकते हैं? हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, बिजली बिजली का भी तो रेट सब कम हुए हैं, माफ किए हैं, बिजली के बिल जीरो हो गए हैं, पानी का बिल भी पानी ज़्यादा कर रही है, और कैमरे भी लग चुके हैं। सर कैमरे लगने से क्या अपराध कम हो जाएगा? थोड़ा सा फर्क पड़ गया, जो अपराधी है जो करते डरेंगे वो दोबारा पकड़ेंगे। कैमरे में सर ऐसा भी हमें नजर आते हैं, जैसे कैमरे लगा के रखते हैं, एटीएम भी उठा लेते हैं सर कैमरे के सामने, ऐसा भी एग्जांपल आते हैं थोड़ा सा। वो तो जो ऐसे अपराधी होते हैं वो तो प्रोफेशनल होते हैं, जो ऑर्डिनरी अपराधी होते हैं उनसे तो डर डर जाते हैं। सीसीटीवी लगाने से अपराध कम होगा आपका? थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में चुनाव आ चुके हैं, तो किसका सरकार बनाने का इरादा है? मैं ना कह सकता। अच्छा नहीं कहेंगे, ठीक है ठीक है। सर हम आप लोगों की बात ये जानने के लिए आए हैं कि दिल्ली में चुनाव आ चुके हैं, तो किसका सरकार बनाएंगे? केजरीवाल का सरकार बनेगा। केजरीवाल का क्यों बनना चाहिए? काम कराया, काम हो रहा है, क्या क्या काम हुआ है? अच्छे जो है क्या नहीं हुआ, आम लोगों को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होगा? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, उसके लिए काम किया उसने, काम हो रहा है, कहने का मतलब बिल्कुल काम हुआ है, काम हो रहा है, इस बार वोट भी कामों पर मांगा जा रहा है, उन्हीं का सरकार बनाने का इरादा है। ठीक है, हम और भी लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है, आपका क्या कहना है, किसका सरकार बनाएंगे दिल्ली में? इसका काम हो रहा है, इसका काम हो रहा है, काम हो रहा है, किसने कौन सी सरकार काम कर रहा है? केजरीवाल काम हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है बता सकते हैं? हम लोग क्या बोल रहे हैं, लीडर लाइने बन रही है, सड़कें भी बन रही है, नहीं नहीं ठीक है, और महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधा जरूरी है, महिलाओं के लिए सुविधा, कोई ऐतराज तो नहीं है महिलाओं के? कोई ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। हाँ हम ये जानने के लिए दिल्ली में सरकार सरकार जोर तो मैडम केजरीवाल का है, केजरीवाल का है, काम हो रहा है क्या दिल्ली में? काम में हर जगह तो नहीं, लेकिन हुआ है काम, जो उसने जो बोले तो लगभग हो चुके हैं, हो चुके हैं। अच्छा इनका कहना है कि काम हो रहा है। भैया दिल्ली में किसका सरकार बनाएंगे? बीजेपी का, क्यों बीजेपी का बनना चाहिए भैया? सर काम अच्छा, काम कर रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है, इधर मुँह करिए भैया। अच्छा काम अच्छा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है भैया? अच्छा हो रहा है, देखिए सारे सारा सारी सुविधाएं हॉस्पिटल में, क्या क्या सुविधा हो रहा है सारी हॉस्पिटल में, सब हॉस्पिटल में जो हो रहा है वो तो केजरीवाल सरकार कर रहे हैं, नहीं पता। ठीक है हम और भी लोगों से जानते हैं, दिल्ली में क्या काम हो रहा है, काम हो रहा है, सरकार किसका बने? केजरीवाल, केजरीवाल का बनेगा, क्यों बनना चाहिए, क्या क्या काम हुआ है? सारे काम हुए, जैसे उसमें से कुछ काम, पानी बिजली बसों का काम हुआ है, कह रहे पानी गंदा आ रहा है, नहीं कोई सही हो जाएगा सारा, बहुत कॉलोनी में सही आ रहा है, फिर इसे एक पाँच साल देना चाहते हैं। हाँ अच्छा सर सरकार किसका बनाएंगे दिल्ली में? आम आदमी पार्टी का, क्यों आम आदमी पार्टी का? सारा काम बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है? सारा काम बढ़िया है, सारा काम बढ़िया है। अच्छा इनका कहना है कि सारा काम बढ़िया है, हम आप लोग बातचीत की है और इन लोगों का यही कहना है कि आम आदमी पार्टी का सरकार बनाएगा, या किसका सरकार बनाएगा? आम आदमी का, आम आदमी का क्यों बनना चाहिए?
काम अच्छा कर रहा है। काम अच्छा हो रहा है? क्या क्या हो रहा है भैया? सब कुछ हो रहा है, बिजली पानी हॉस्पिटल वगैरह। फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। अच्छा, इनका तेरा फायदा अच्छा वाला, अच्छा वाला। हम और भी लोगों से जानते हैं सर, दिल्ली में काम हो रहा है? किसका सरकार बनाएंगे दिल्ली में? दिल्ली में किसका सरकार बनाएंगे? सरकार तो जो काम करेगी उसी का सरकार बनाएंगे, अच्छी सरकार। अच्छा, कौन सी सरकार काम कर रहा है? केजरीवाल कर रहे हैं। तो केजरीवाल को फिर से एक बार मौका देना चाहते हैं बीजेपी या कांग्रेस? केजरीवाल जी को मौका देना चाहते हैं, फिर से 5 साल देना चाहते हैं। अच्छा, इनका कहना है फिर से 5 साल देना चाहते हैं। हम सर, हम आपको भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली में कितना सरकार बनाएंगे? बाद में बताएंगे। अच्छा ठीक है भैया, आप किस तरह सरकार बनाएंगे दिल्ली में? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोगों से जानते हैं केजरीवाल काम किया है, अच्छा किया काम दिल्ली के अंदर, तो उनकी सरकार आनी चाहिए। फायदा हो रहा है? हाँ जी। क्या क्या काम हो रहा है? स्कूलों में अच्छे काम हुए हैं, और पानी फ्री फ्री हुई है, स्कूलों में अच्छे काम हुए हैं, और ये शौचालय काफी सारे बनवाए हैं। अच्छा, उन्हीं को मौका देना चाहते हैं आप सर? आने वाले के बाद केजरीवाल की तरफ से हमारे लिए पूरी सुविधा है, पानी वाली भी सुविधा मिल रहा है, कोई दिक्कत है? पानी गंदा तो नहीं आ रहा है? नहीं, पानी गंदा नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी मिलता है। तो मौका देना चाहते हैं? ठीक है, हम और भी लोगों से जानते हैं कि कितना सरकार बनाएंगे दिल्ली में? दिल्ली में तो हम लोग देखिए, पानी अभी साफ आ रहा है, पानी भी साफ रहा है, अभी समय तो थोड़ा ठंडा है, पर ऐसा है कि हम रिक्शा चलाने वाला आदमी हैं, हम रोजी रोटी हमारे फैमिली बच्चे सब रहते साथ में रखते हैं, हमारे तो यही चाहिए कि हमारे रोटी रोजी चले जो है, हमारे और फैमिली बच्चा के साथ में रखे जो है, हमारे यही सब करते हैं। तो सरकारी हमारे जो कोई भी सरकार हो बनो, लेकिन हमारे जो सुरक्षा करते वही सरकार हमारे लिए अच्छी है। अच्छा, इनका कहना है कि सरकार से कोई भी बने लेकिन इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। किसी भी सरकार बने, हमको तो जो करना है वही करते रहेंगे, हमको कोई भी सरकार बने कोई फायदा नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा 70 साल का एज है बेटे, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, कभी ट्रैफिक वाले तंग करते हैं, कभी कोई आता पुलिस वाला भगाने लगता है, हमको परेशानी परेशानी है, हम गरीब आदमी कहाँ से रोटी खाएंगे, हमको रोटी देने वाला नहीं है, फिर भी लोग बाग तंग करते हैं हमको यहाँ पर, ये सरकार से हमको क्या फ़ायदा मिल रहा है? हम किराए में रहते हैं, हम किराया कहाँ से मकान मालिक का दें? इतनी महंगाई हो गया, जितनी महंगाई हो चुका है, बिजली बिल जो बोलते हैं केजरीवाल जो हम 219 जो है फ्री कर रखे हैं, लेकिन मकान मालिक बिजली बिल ले ही रहा है हमसे। 9 रुपये 10 रुपये यूनिट हम लोग से ले रहे हैं, 9 रुपये 10 रुपये जी, 9-10 रुपये यूनिट हम लोग दे रहे हैं बिजली का बिल, और केजरीवाल कहते हैं कि हम बिजली फ्री कर दिए। मीटर कह रहे हैं कि मीटर लगाना पड़ेगा, मीटर लगा रखे हैं, फिर भी 9-10 रुपये यूनिट हम लोग से ले रहा है। एक मीटर आप फोन करके एक मीटर आपको लगाना पड़ेगा किराएदार को। अच्छा, तो किराया तो हम लोग काफी दिनों से रह रहे हैं, हम लोग का कोई यहाँ कुछ नहीं हुआ, हम लोग किराएदारों के मीटर लग रहे हैं, मगर हम मीटर लग रहे हैं, रुपये यूनिट हम लोग से ले रहा है बिजली का बिल किराएदार के लिए। पानी का सरकार क्या सोच रहा है? 70% तो लोग रहते हैं किराए में यहाँ, और 30% है मकान मालिक, उनके लिए क्या सोचते हैं किराएदार के लिए, जो हम रिक्शा चला के खा रहे हैं गुजारा कर रहे हैं, हैं? तो अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार क्या, अगर सरकार फिर से आएंगे आम आदमी पार्टी का बने, बीजेपी का बने, कांग्रेस? बेटे, कोई भी सरकार आएगा, हम सरकार का इज्जत करना मेरा फर्ज है, हम नागरिक हैं हिंदुस्तान का, कोई भी सरकार बनेगा हम सबका इज्जत करेंगे, लेकिन सरकार को भी तो चाहिए गरीब आदमी के लिए कुछ सोचें, हैं? अब बताओ, 100-200 रुपया कमा करके शाम को जाते हैं, हमको घर का खर्चा पूरा नहीं होता, मकान मालिक को कहाँ से किराया भुगतेंगे? ठीक है, इनका कहना है कि ये लोग किराएदार भी हैं, और ऊपर से आप देख सकते हैं रिक्शा चलाते हैं, और रिक्शा चला के ये लोग अपना गुजारा करते हैं, काफ़ी तकलीफ़ में है। ये हमारे साथ जो अंकल जी हैं, इनका उम्र 70 साल है, अभी भी रिक्शा चलाते हैं। इनका कहना है कि सरकार चाहे कोई भी आए लेकिन फ़ायदा इनको नहीं मिल रहा है, और सरकार इनके लिए भी कुछ सोचे और इनका भी कुछ भला हो।
अच्छा हो, सरकार कोई भी बने लेकिन गरीबों के लिए सोचना चाहिए, ये इन लोगों का कहना है जो हम आप तक पहुँचाएं। नए मुद्दे के साथ मैं फिर से आऊँगी, तब तक आप तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।